वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी केयर। आज मैं बात करने वाली हूँ फेस सीरम के बारे में, स्पेशली विटामिन सी सीरम के बारे में। विटामिन सी सीरम हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। विटामिन सी सीरम के कंटिन्यूस यूज से हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, ब्राइटन होती है, हमारी स्किन टोन 1 या 2 से लाइटर हो जाती है, हमारा फेस से पिगमेंटेशन दूर हो जाता है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और भी इसके अनगिनत कई फायदे हैं। बट क्या करें, मार्केट में विटामिन सी सीरम बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है। हर इंसान का बजट ऐसा नहीं होता है कि वो इस सीरम को अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक DIY विटामिन सी सीरम। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि इस सीरम को हम कैसे बना सकते हैं। इस सीरम को बनाने के लिए हमें विटामिन सी टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ नॉर्मल वाला विटामिन सी का टैबलेट ले रही हूँ, च्यूएबल वाला नहीं लिया है क्योंकि उसमें शुगर मिक्स होता है जो कि हमारे फेस पे स्टिकी सा फील करा सकता है। कम से कम हमें 10 टैबलेट्स लेने हैं, मेरे पास इतना ही था इसलिए मैंने इतना ही यूज़ किया है। आप कम से कम 10 टैबलेट लीजिएगा। देन हम इसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स करेंगे। रोज वाटर हमारे फेस पे टोनर का काम करता है। मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो टैबलेट है वो रोज वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद हम उसमें विटामिन ई की कैप्सूल यूज करेंगे। विटामिन ई की कैप्सूल यहाँ पर एक तरह का प्रिजर्वेटिव का काम करेगी जो कि हमारे सीरम को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने में हेल्प करेगी, साथ ही हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी। विटामिन सी सीरम हमें अपने डेली स्किन केयर रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे फेस पे जल्दी से रिंकल्स नहीं आने देती है। इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिक्स करेंगे। एलोवेरा जेल को आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर प्लांट वाला जेल बिल्कुल भी इसमें मिक्स मत करिएगा। अगर प्लांट वाला हम इसमें मिक्स करते हैं तो हमारा सीरम ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसमें मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम ऑयल की क्वांटिटी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हम ऑयल कम डालेंगे, और अगर ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की है स्किन तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड कर सकते हैं। इस सीरम को स्टोर करने के लिए हमें डार्क कलर की कांच की बॉटल चाहिए। याद रखें कि इस सीरम को हमें धूप की रोशनी से बचाना है, इसलिए हम इसे अंधेरी और ठंडी जगह पर रखेंगे, लेकिन फ्रिज में भी नहीं रखना है। अगर सीरम का कलर चेंज होने लगे तो हमें समझ आना चाहिए कि हमारा सीरम ख़राब हो चुका है, तो हमें उसे फेंक देना चाहिए। उसके बाद हमें नया सीरम बना के फिर यूज़ करना चाहिए। ये होममेड सीरम काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है तो इसलिए हम इसकी कम क्वांटिटी ही बनाएंगे। अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, गर्मियों के टाइम में सूरज की रोशनी से हमारे फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये हमारे फेस को सूरज के डैमेज से बचा देता है, सारे के सारे सनबर्न हमारे फेस से छूमंतर हो जाएंगे, इसलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। को लगाते के साथ ही कितना अच्छा सा हमारे फेस पे ग्लो आ गया है। वैसे तो ये हर स्किन टाइप को सूट करता है, बट फिर भी इसको लगाने के बाद आपको किसी तरीके की स्किन इरिटेशन होती है या पिंपल्स होते हैं, रेडनेस होते हैं, इचिंग होती है, तो आप इसको तुरंत ही लगाना बंद कर दें। साथ ही एक बात को और ध्यान रखना है कि इसे लगा के हमें धूप में नहीं जाना है। धूप में लगाने से जाने से हमारा फेस काला पड़ सकता है, तो याद रखें कि इसे आप धूप में लगा के कभी मर ना जाए। सबसे अच्छा इसको अप्लाई करने का टाइम होता है नाइट टाइम में। नाइट टाइम में आप इसे अप्लाई करके सो जाइए और मॉर्निंग में इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। ये जो घर में बनाया हुआ हमारा सीरम होता है ये बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। इसे हम सिर्फ 10 दिन के लिए ही बना करके स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में सीरम मिलते हैं उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और बहुत सारी ऐसी चीजें डली हुई होती है जिससे उसे हम काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। बट ये घर वाला सीरम हम सिर्फ 10 दिन के लिए ही बनाएंगे, और जब ये हमारा सीरम खत्म हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट 10 डेज के लिए और बना लेंगे। तो याद रहे कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए हम इसकी उतनी क्वांटिटी ही बनाए कि जितनी की हम इसे यूज कर सकें। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।